हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो हम आज आप सबके लिए लेके आए हैं DI पे आधारित कुछ सवाल, और ये DI हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और DI सॉल्व करने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जो DI में जो गिवन जो इंस्ट्रक्शन है, आप उसे ध्यान से और आराम से पढ़े। अगर आप इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़िएगा तो आपको जो बनाए हुए भी DI जो क्वेश्चन है वो भी शायद गलत हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप इस इंस्ट्रक्शन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। तो देखिए, गिवन बिलो बार ग्राफ शो प्रोडक्शन इन करोड़ यूनिट। किसमें है जो यूनिट का जो प्रोडक्शन है वो करोड़ यूनिट्स में गिवन है, और 5 डिफरेंट कंपनी इन मंथ ऑफ जून का दिया हुआ है। तो देखिए, ए कंपनी है, बी कंपनी है, सी डी ई कंपनी है। इसका प्रोडक्शन 160 करोड़ यूनिट है, इसका 140 है बी का, सी का 250 है, डी का 280 है एंड ई का 120 है। तो देखिए, आपको यहाँ आपको क्वेश्चन इससे संबंधित है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल प्रोडक्शन ऑफ ए एंड बी टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ डी एंड ई। तो ए प्लस बी अपॉन डी प्लस ई। तो देखिए, ए का कितना है 160 और बी कितना है 140। तो 160 कीजिएगा तो 300 आ जाएगा। और इसी तरह डी और ई, देखिए डी का 280 है, ई का 120। तो 280 प्लस 120 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। तो आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये दोनों के बीच में रेशियो थ्री रेशियो फोर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इससे संबंधित ही अगला इसका क्वेश्चन। देखिए, इफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ई, देखिए कंपनी ई है, प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ई इज इंक्रीज बाय 10% इन नेक्स्ट मंथ। तो देखिए, ई का जो आपको यहाँ गिवन डेटा है जून मंथ का है, जून का है कितना है 120। अब क्या बोला है, नेक्स्ट मंथ कितना इंक्रीज होगा 10% इसका इंक्रीज हो जाएगा फॉर 2 सक्सेसिव मंथ ओवर ए जून, मतलब जून के बाद लगातार 2 मंथ, मतलब जुलाई और अगस्त। एक क्या होगा, एक जुलाई होगा और एक होगा अगस्त, 2 सक्सेसिव मंथ में ये होगा, इसका 10% इंक्रीज होगा। तो फाइंड टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ई इन अगस्त इज व्हाट 2% मोर देन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी इन मंथ ऑफ जून। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ से 10% इंक्रीज करना है नेक्स्ट मंथ में, ये 10% इंक्रीज होगा। तो अब 120 का 10% कितना हो, 12 हो जाएगा। आप 120 में 12 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। ये 10% का इंक्रीमेंट है। फिर इसी तरह से जुलाई से अगस्त में भी क्या होगा, 10% का इंक्रीमेंट होगा। तो देखिए, अब इसमें भी 132 का 10% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 13.2, और 13.2 आ गया। अब 132 में 13.2 ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको 145.2। ये हो गया इसका अगस्त का आ गया। आपको कंपेयर अब किससे करना है, देखिए ई का अगस्त में, ई का अगस्त में कितना है 145.2 इज व्हाट परसेंट मोर, कितना परसेंट मोर है किससे, बी का जून में। तो बी का जून में कितना है 140 है। देखिए, एक इससे कितना मोर है आप बताइए, कितना मोर है 5.2 मोर है। तो 5.2 जो प्लस हुआ है किस पे, 140 पे। तो 5.2 कितने पे है, 140 पे है। तो इसी तरह आप इसे 100 पर निकालिएगा तो यहाँ से इसका जो परसेंटेज वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 3.75% का इसका इंक्रीमेंट हो गया। यहाँ से इसका 3.71 यहाँ से इसका परसेंटेज निकल के आ गया आंसर। तो चलिए देखते हैं इसी का अगला क्वेश्चन। देखिए, इफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एक्स का इन जून, यहाँ ए बी सी डी ई का है, एक्स का कोई भी यहाँ पर इस बार ग्राफ में नहीं है, यहाँ से
अलग से आया है डेटा, लेकिन अगर कोई अलग से डेटा आएगा तो उसको रिलेट इससे किया रहेगा। तो देखिए कोई कंपनी है एक्स इन जून, जून में, जैसे इसका भी जून में गिवन है तो एक्स का भी जून में है। एक्स का जून में क्या है 16% मोर देन दैट ऑफ सी, इसके सी के 16% मोर है, मीन्स 16% मोर मतलब 116% ऑफ सी। तो सी का कितना है 250, तो 116 116 upon 100 into 250। तो यहाँ से आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 ये 5, और 2 से कितना 5 8, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 290 करोड़। इतना करोड़ यूनिट कंपनी एक्स के द्वारा जून में प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो आपको यहाँ बताना है कि फाइंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एक्स एंड सी इन मंथ ऑफ जून, एक्स और एक्स का जून में प्लस सी का जून में, इसका एवरेज निकालना है। तो देखिए 290 प्लस 250 कितना हो गया 290, और 250 ऐड कीजिए तो 540, और 540 का हाफ कर दीजिए कितना हो जाएगा 270, मीन्स 270 करोड़ यूनिट दोनों का यहाँ से एवरेज निकल गया आएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं इसी का अगला क्वेश्चन। इफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बी एंड डी इंक्रीज बाय 25% एंड 30% रिस्पेक्टिवली इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो देखिए बी और डी, ये जून, ये कितना, ये जून का है, जून में ये कितना है, देखिए बी का जून में कितना 140, और इसी तरह डी का जून में कितना है 280। अब जुलाई में जो है बी का कितना इंक्रीमेंट हुआ है, बी का 25% इंक्रीमेंट हुआ है, तो आप 140 का 25% निकालिएगा मतलब 1/4, तो 35 आएगा, और 35 से 140 में आप जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा, इसका निकल के आ जाएगा 175। और 30% इंक्रीमेंट किस में हुआ है, डी में, तो देखिए उसका 10% ही कितना हो गया 28 के बराबर हो जाएगा डी में, तो इसको 30% करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ भी 3 से कर दीजिए, यहाँ भी 3 से कर दीजिए, तो यहाँ से ये 30% हो गया, और ये कितना हो जाएगा 84, यहाँ से 84 आ गया। तब देखिए अब 280 में आप 84 ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको 364 हो गया। तो आपको टोटल प्रोडक्शन यहाँ बताना है कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी एंड डी इन मंथ ऑफ जुलाई, टोटल दोनों का आप ऐड कर दीजिए 5 + 4 = 9, और 7 and 6 ये कितना हो जाएगा 3, रिमेनिंग 1 इन हैंड, एंड 3 + 1 = 4 + रिमेनिंग 1, तो ये कितना हो जाएगा टोटल यहाँ 5 हो जाएगा, मीन्स 590 करोड़ यूनिट दोनों का प्रोडक्शन होगा जुलाई में। तो चलिए देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी, जो कंपनी सी का है प्रोडक्शन, देखिए कितना है 250 है, इज व्हाट परसेंट मोर देन द कंपनी बी, और कंपनी बी का कितना है, देखिए कंपनी बी का कितना है 140, ये इसका कितना परसेंट मोर है, तो ये कितना है यहाँ से कितना मोर है 140 110, तो 110 किस पे है, किस पे ज़्यादा है 140 पे, तो 140 पे 110, तो आप 100 पे यहाँ निकालिएगा तो, और आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 78.57 इसका परसेंट यहाँ से मोर आ जाएगा आंसर इसका। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को पसंद आया होगा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।